गाइस आज हम बनाएंगे ये वाला पैटर्न और मैंने व्हाइट ब्रश से बनाया है। बहुत सिंपल है इसको बनाना और अब हम इसमें व्हाइट बेस करेंगे इस तरह से। बिल्कुल इसके जो छोटे छोटे इसमें बिल्कुल कपड़े में भी कुछ भी होता है व्हाइट बेस से हर चीज़ ढक जाती है इसमें और एकदम स्मूथ बन जाता है, इसलिए हम इसमें व्हाइट बेस करते हैं और व्हाइट बेस से कलर भी अच्छे आते हैं, शेड्स भी अच्छे आते हैं और हमें लाइट कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इसमें वायलेट 25 कलर लिया है फैब्रिक का, आप चाहे तो और कोई भी कलर ले सकते हैं। इस तरह से पहले आउटिंग करूँगी और इसके बाद इस तरह से बिल्कुल लाइट कर वाइट के साथ मिक्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली लाइट ही हो जाएगा इस तरह से। ये बहुत इजी है। हम डार्क कॉफ़ी कलर करेंगे। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। इस तरह से आउटिंग करेंगे पहले और इसके बाद हम इस तरह से बिल्कुल हल्के से इसका वाइट में मिक्स कर देंगे कॉफ़ी कलर। इस तरह से हम पूरा फ्लावर बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने फ्लावर पूरा कर लिया है और ये भी बना लिया है। अब मैं लीफ बना रही हूँ, मैंने सेब ग्रीन की आउटलाइन की इसमें और मैं इस तरह से धीरे धीरे इसमें कर्व्स डालती जाऊँगी। और अब मैं कॉफ़ी कलर से भी इसी तरह से कर्व्स बनाती जाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।